दोस्तों, इस वक्त दुनिया में न्यूक्लियर बम से लेकर खतरनाक वायरस तक ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जो पूरे दुनिया का खात्मा कर सकती है। और अभी कोरोना ने पिछले 2.5 साल से पूरे दुनिया का सिस्टम हिला कर रख दिया था। इस एक वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लग रहा था कि वायरस पूरी दुनिया की जान ले लेगा और दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा जाएगा। वैसे तो इस दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन यानी कि लगभग 788 करोड़, और एक साथ इतने सारे लोगों को दुनिया से खत्म होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा? मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई वायरस आया और उसने पूरे दुनिया से सारे इंसानों का सफाया कर दिया तो इस धरती का क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। करना बस ये है, वीडियो के अंत तक हमारे इस सफर में हमारा साथ देना है। और एक जरूरी बात, इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यार देरी मत करो, अभी तुरंत सब्सक्राइब करो क्योंकि आप सब भूल जाते हो। चलो अभी करो, सोचो मत, तब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कर दिया आपने तो ठीक है। अब हम कहाँ पे थे सोचता हूँ, याद आया, चलो मैं बताता हूँ। हमारे धरती पर इंसानों का जन्म आज से लगभग 2 लाख साल पहले हुआ था। इसका साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। ये अफ्रीका से आया था। पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए थे। अब ये तो हो गई मानव जाति के जन्म की बात। चलिए अब देखते हैं अगर ये मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कोई नया वायरस इस धरती पर अचानक से आता है और बहुत ही तेजी से हवा और पानी के साथ मिलकर ये पूरी दुनिया के इंसानों की जान ले लेता है और एक साथ सभी इंसान कुछ दिनों में इस धरती से खत्म हो जाते हैं। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म हो गई है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव, प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं इस धरती पर रहेगी। मतलब अब इस धरती पर कोई इंसान जिंदा नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस बात की सबसे पहली खबर धरती के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट को मिलेगी। आम दिनों में जापान का 98% आकाश रात में भी चमकता रहता है, वहीं यूरोप का 85% और अमेरिका का 62% आकाश रात में भी रोशनी से चमकता रहता है। लेकिन धरती पर मानव के ना होने के कारण 24 से 48 घंटे के भीतर ही धरती पर अंधेरा कायम हो जाएगा। रात के समय पूरी पृथ्वी अंधकार में हो जाएगी। इसकी अहम वजह यह है कि उस समय सभी थर्मल पावर स्टेशन और लाइट सर्विसेज को चलाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। दोस्तों, 48 से 72 घंटे बीतने के बाद सौर पावर सोर्स खतरनाक मोड़ पे आ जाएंगे। कुछ ही घंटों में धरती के सारे पावर सोर्सेस काम करना बंद कर देंगे क्योंकि अधिकतर पावर सोर्सेस फ्यूल से चलते हैं। इनकी जबरदस्त कंजक्शन के कमी के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करना बंद कर देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 435 न्यूक्लियर स्टेशन हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए कूलिंग टावर के पानी की आवश्यकता होती है। टावर तक पानी को पहुंचाने के लिए पंप या बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और पंप को चलाने के लिए पावर यानी बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन जब धरती पर इन्हें चलाने वाले इंसान ही नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम बंद पड़ जाएगा। बिजली की कमी के चलते न्यूक्लियर स्टेशन का तापमान बढ़ने लगेगा, यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन से बाहर निकलने लगेंगे।
उस वक्त बेहद ही खतरनाक मंजर होगा और काफी जानवर इस वजह से मारे जाएंगे। धरती से इंसानों के अंत के एक हफ्ते बाद यातायात प्रणाली पूरी तरह से ठप पर जाएगी। अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा और वहां बिना पंप की हवा की निकासी नहीं रहेगी। सभी सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे। हो सकता है कि ये आपस में टकरा भी जाएं। सैटेलाइट के वर्क ना करने के साथ ही धरती को मिलने वाले सिग्नल बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ही रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन आदि सभी किसी काम के नहीं रहेंगे सिवाय 100 पीस के। एक महीने बाद धरती पर मौजूद प्रदूषण का स्तर कम होने लगेगा। आसमान साफ और नीला दिखाई देने लगेंगे। नदियों का पानी स्वच्छ हो जाएगा। धरती पर इंसानों के ना होने से कचरा भी नहीं होगा। प्रकृति अपने आप को हील करने लगेगी और अपने शुरुआती समय की तरह प्योर होने लगेगी। अब बात करते हैं एक साल बाद क्या होगा। दोस्तों, एक साल बाद मौसम में भी कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वही इंसानों द्वारा बनाए गए कंक्रीट और सीमेंट के घरों को प्रकृति अपने गोद में लेने लगेगी और इंसानों द्वारा बनाए गए शहर खंडर में तब्दील होने लगेंगे। फिर कुछ समय बाद ये खंडर मिट्टी बन जाएंगे और मिट्टी में बड़े पेड़ पौधे आदि घास उगने लगेंगे और हमारी धरती पहले की तरह हरी भरी होने लगेगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे पास कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10 साल से लेकर 1 लाख साल के बीच में इस धरती का क्या होगा वो सारी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या मानव जाति का फिर से सिलसिला शुरू होगा या नहीं। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी दबा के रखना। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।